Hello everyone, I am from EME Technologies. Welcome to our channel. If you haven't subscribed our channel, then please subscribe it. And for more updates, for more videos, please hit the bell icon button. Thank you. Welcome to EME Technologies, myself Prabodh, and today I will teach you how can we use a ADC in AVR microcontroller or with Arduino. Okay, so start karte hain. देखिए सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करेंगे कोडिंग पार्ट के लिए आर्डिनो सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे और हार्डवेयर जो हमने कोडिंग के पार्ट में बनाया उसको टेस्ट करने के लिए प्रोटियस सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे. ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से कोडिंग. यार हमारा आर्डिनो सॉफ्टवेयर है. देखिए इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसकी इंट वेरिएबल ही हुआ है VAL, एक इंटीजर वेर नाम का वेरिएबल यूज़ किया हमने VAL नाम से. ठीक है, और एक पिन जो टेम्प पिन इज इक्वल टू ज़ीरो, हमने क्या किया है ज़ीरो पिन को नाम दिया है TEM टेम्प पिन. ठीक है, बेसिकली इसमें काफ़ी सारी पिन्स होती हैं, जैसे मैं आपको हार्डवेयर में दिखा देता हूँ कितनी पिन्स होती है. 28 पिन्स का ये IC होती है हमारी. ठीक है, तो IC में कुछ पिन्स होती हैं जो एज ए डिजिटल यूज़ करते हैं और कुछ को एज ए एनालॉग यूज़ करते हैं, और कुछ पिन्स हमारी होती हैं जो इसको एज ए एनालॉग और एज ए ट्रांसमिट रिसीव. ठीक है, यूज़ करते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं कि एनालॉग जो हमारी इनपुट है उसको A0, देखो ये हमारी एनालॉग बोर्ड है, ये बोर्ड हमारी, यहाँ से हम एनालॉग डाटा लेंगे और यहाँ वायरलेसली हम इसको डिस्प्ले करेंगे. ठीक है, किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में हम डिस्प्ले करवा सकते हैं इजीली. तो यहाँ से देखते हैं, तो हमने पिन ज़ीरो, ये हमारी ज़ीरो पिन है, तो हमने यहाँ पर एनालॉग पिन हम यूज़ किया आउटपुट के लिए. ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो हमारा एंड्रॉयड होता है, सॉरी आर्डिनो होता है, इसमें दो स्टेप्स होते हैं हमारे, एक सेटअप होता है हमारा और एक होता है लूप. तो सेटअप में हमने क्या लिखा, सीरियल डॉट बिगिन 9600, जो कि हमारा ट्रांसमिट सिग्नल जो ट्रांसमिट कर रहे हैं हमारा बोर्ड रेट उसको सेट करने के लिए लिखा हुआ है. और सेकंड जो वर्ड लूप है हमारी, वर्ड फंक्शन हमारा, उसमें हमने वो टास्क लिखा हुआ है जो हमने परफॉर्म करना है. देखो हमने ऊपर इंट में क्या दिया था, VAL नाम से एक वेरिएबल लिया था, उसमें क्या किया, जो एनालॉग इनपुट है हमारी उसको रीड किया. देखो क्या लिखा हुआ है ना, एनालॉग रीड, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, टेम्प इन, यानी कि जीरो पिन है, वहाँ से हमने इनपुट ली है, वहाँ से रीड करनी है. इसलिए जो हमारी एनालॉग वोल्ट होगी वो कहाँ से रीड करेगा, ज़ीरो पिन से. तो उसके बाद जो हमारी इनपुट आई है वो मे भी इंटीजर भी हो सकती है और फ्लोट भी, तो इसलिए हम क्या उस डाटा टाइप क्या देंगे उसको, फ्लोट. तो हमने फ्लोट दिया है और ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि उसको एज ए हम वोल्ट मीटर की तरह यूज़ भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर कैलकुलेशन भी हमने लिखा हुआ है. तो उसके बाद जो कैलकुलेशन के थ्रू आया है उसको प्रिंट करवाना है. तो प्रिंट के लिए हम क्या कमांड होती है, सीरियल डॉट प्रिंट, और ब्रेक क्या लिखना है, टेम्परेचर. सबसे पहले कुछ वर्ड अगर हमें डिस्प्ले करवाने हैं तो हम कैसे लिखते हैं, सिंपल सीरियल डॉट प्रिंट लिख के और वहाँ पर टेम्परेचर लिख दिया. उसके बाद सेल्सियस लिख दिया, सेल्सियस डिस्प्ले करवाना हो अगर हमें, और डिग्री सेल्सियस अगर हमें डिग्री सेल्सियस लिखवाना हो. तो इसी तरह हमने वन बाय वन जो हमने वहाँ पर डिस्प्ले करवाना है वो हम करवा सकते हो. देखो जो हमने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है CEL का यहाँ मीनिंग क्या है, जो यहाँ पर हमने वेरिएबल यूज़ किया है जिसके अंदर हमारी इनपुट वेरिएबल इनपुट की एनालॉग जो वैल्यू उसमें सेंड हुई है वो वहाँ पर हमारे आउटपुट पर डिस्प्ले होगी. तो यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं. जैसे ही हमारा वेरीफाई होता है हमें यहाँ से हेक्स फाइल को कॉपी करना होता है. देखो हेक्स फाइल यहाँ क्रिएट नहीं हो रही है, हम क्या करते हैं, फाइल पर जाते हैं, प्रेफरेंस में यहाँ पर कंपाइलेशन पे क्लिक करना है और ओके कर देते हैं. ऐसे ओके करते हैं दोबारा, तो यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है हमारी कन्वर्जन वगैरह, और यहाँ से एक्स फाइल हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं. तो डन हो सकते हैं, कंपाइलेशन डन हो चुकी है, यहाँ से एक्स फाइल कॉपी करते हैं. कंट्रोल सी कॉपी किया, और हार्डवेयर में जाना है हमें, डबल क्लिक, प्रोग्राम फाइल. देखो जैसे हम 8051 में और पिक में क्या करते थे, यहाँ से फाइल सेलेक्ट करते थे, बट इनके हम AVR में क्या करते हैं, यहाँ पर फाइल की लोकेशन को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया हमने और ओके कर लिया. तो जैसे ही हम पेस्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए
एनलॉग जो यहाँ पर 31 है, देखो 31 शो हो रहा है यहाँ, बेसिकली LM35 हमने क्या यूज़, टेम्परेचर सेंसर यूज़ किया हुआ है, वो एज ए वोल्टेज भी कह सकते हैं, वोल्टेज की यूज़ हो रहा है और हम उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं। देखो हमने वहाँ पर कमांड्स में क्या लिखा था, टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस, तो वही चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, टेम्परेचर और डिग्री सेल्सियस, और उसके बीच में क्या लिखा रहा है, वो वैल्यू जो इनपुट से हमारे पास एनालॉग डाटा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को डिस्प्ले करवा सकते हैं, जो एनालॉग वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल था, इसलिए आप भी इसको इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।